लक्ष्मी बाई के साथ जो हर दिन सुबह पूजा करके तिलक लगा के ब्रिटिश हुकूमत की तरफ लड़ने उतरती थी, एक हिंदू एक मुसलमान, बहुत सारे बलपुर के राजा, कई सारे नवाब, कई सारे लोग जो है उस समय जुड़े हुए थे इस संघर्ष में, और ये साझा विरासत वहां से जो पैदा होती है उसको ढूंढने पूरी पूरी कोशिश आज की जा रही है। आज अगर आप देखो ये साझा विरासत का मतलब हमारे संविधान में क्या है, धर्म की बात करते हैं लोग, धर्म के बारे में हमारे समझ क्या है हमारे संविधान में, धर्म एक व्यक्तिगत बात है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में संबंध है, कौन होगा वो परमात्मा, सिर्फ यह आत्मा सुन सकती है, कोई भी परमात्मा आगे का कथन नहीं दे सकता कि आज राम की पूजा क्यों हो रही है, कृष्णा के आपसे नहीं पूछ सकते मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे, ये आपकी हमारी सबकी व्यक्तिगत राय, और इस आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध में किसी को दखल देने की अधिकार नहीं, और वही कथन आज किया जा रहा है ये कहते हुए कि यही एक ही धर्म के लोग रहेंगे भारत में, और इस भारत को एक हिंदू पाकिस्तान के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है, इसका विरोध करना ही हमारी साझी विरासत हमारा जुड़ना गंगा जुड़ना तहजीब का मतलब। कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, पहले से बहुत प्राचीन इतिहास, अगर हमारे गोल्डन टेम्पल अमृतसर का शिलान्यास हुआ तो एक मुसलमान पीर के हाथ से हुआ, आज भी अगर आप जाते हो आपके कैलाश मानसरोवर पे या अमरनाथ यात्रा पे एक बार वहां पे उन चीजों की मुसलमान रहते, ये विरासत एक दिन का नहीं, ये विरासत आ रहा है सदियों से हमारे, और ये सदियों से जो विरासत आ रहा है अब वही बाबू शासन पर जो मिलता है रंगून में, उसके आंख फोड़िए प्रिंसिपल अंधा, रंगून में एक कोयला लेकर अपनी बात लिखता है, अपने नजरे लिखता था दीवार पे, और वो क्या लिखा, इतना बदनसीब है सफर, दो गज जमीन भी ना मिली दफ्तर के लिए पूरे याद है। अब इसे आप कहते हो कि ये देश पर थी, तो ये नहीं कहता मेरे देश में पूरे यार में, पूरे यार का मतलब समझिएगा जो उर्दू में जानते हैं, अब ऐसे मतलब लोगों के ऊपर आप आरोप उठाते हो जिन्होंने मिलकर ये विरासत हमें सौंपा, और ये विरासत जब सौंपा या फारूक साहब को आपने सुना, जब वो बोले कि मैं भारत का हूं और भारत का मुसलमान, और एक बात उन्होंने बोले जब देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा जब हुआ हिंदुओं के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, चॉइस नहीं थी, मुसलमानों के पास था, वो जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की आबादी जितनी थी मुसलमानों की उस समय, उससे ज्यादा मुसलमान अपने हिंदुस्तान में रह गए, कहते हुए ये है मेरी जगह जहां पर मेरी पैदाइश हुई है, अगर दफन होऊंगा तो मैं यहीं पर होऊंगा, और तुम छोड़कर वो गए। अब इस विरासत आप जो है अपनी मनमानी के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आप जो यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, जैसे प्रकाश अम्बेडकर भाई ने कहा, इसका मतलब है सिर्फ मनवाद को लागू करने वाली बात, अगर उस तरीके की बात आप करना चाहते हो जो जो हिंदुस्तान जो भारत जो हम पैदा हुए वो भारत कर सके, तो आज इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, ये एक हमारी विरासत अपने मुल्क को बचाने की बात है, अगर मुल्क बचेगी तो चुनाव के अंदर जो मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं उनकी भी हार होगी, और वो हार हम सबको मिलकर देश के सिपाही के रूप में वो निश्चित करना होगा आज के दिन, वरना इस साल की विरासत को बचाने की बात है। प्रधानमंत्री साहब के बारे में और नामों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, राहुल जी भी बोलने आपको याद होगा, एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे जो सिनेमा बनाते थे मनमोहन ने सर हमारे प्रधानमंत्री थी, उनके कई सारे फिल्में बनाते थे, वो बोले ठीक होते, उनसे आखिरी दिनों में किसी ने पूछा कि भाई आपका राज क्या है, सब फिल्म आप इतने बड़े हिट होते हैं आपका राज क्या, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये तो एक ही बात है,
जमीन को आपको मतलब ठीक होना है। और वो क्या उसका क्या है बस बात, यानी जिस समय लोग आते हैं फिल्म देखते हैं और जिस समय पर फिल्म खत्म नहीं होती लोगों को सोचने लगे, अगर लोग सोचने लगेंगे तो फिल्म जो है कामयाब नहीं होगी, लोगों की सोच बदल। प्रधानमंत्री का भी वजह वही है, इस तरीके से वो अपनी विचारधारा और अपनी साजिश को लागू करवाते जा रहे हैं, तो इसका मुकाबला हमें आपको और करने की जरूरत है। ये सिर्फ चुनाव से चलने में नहीं होगी, ये होगी जमीन पर आंदोलनों के आधार पर, जमीन पर आप और हम सब मिलकर जिस तरीके की बातें जो हो रही है, जिस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं देशों पर अपने देशों पर, उसके खिलाफ अगर जमीन पर उतर कर हम नहीं लड़ेंगे तो इस साथी प्रकाश हो जाएगा। तो आज तो मेरा एक ही मतलब आपसे निवेदन कि यहाँ पर जब ये गंगा जमुना की तहजीब की बात रखे, इसी के साथ साथ शत्रुओं को भी हमें ध्यान में रखना है कि उनको इस हिंदू पाकिस्तान बनाने की साजिश को कैसे लागू करना है। आज फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को याद दिला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, वापस नहीं आना चाहिए उस तरह की, लेकिन क्या है चुने हुए मुख्यमंत्री होंगी जो स्वतंत्रता दिवस पर रेडियो टेलीविजन पर जो भाषण देते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो सी गेम से है रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन दिल्ली को भेजा उसका स्क्रिप्ट, दिल्ली ने कहा कि ये ठीक नहीं है तो वो रिकॉर्ड करके उसको दिखाया, यानी ये तय करेंगे चुने हुए मुख्यमंत्री लोगों ने वोट डाला, अगर वो कुछ गलत बोलते हैं कि असेंबली में उनकी इच्छाई हुई, जैसे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं लाल किले पे तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रख सकता, उनको हम किसी की पाबंदी अगर उन्होंने गलत कुछ बोला, लेकिन अब ये तय करेंगे कौन सा मुख्यमंत्री क्या बोल सकता है। अब इस तरह के रुझान जो जो आज उभरते हुए आ रहे हैं और उसी के साथ हम सब पे हमला, अभी अभी आधे घंटे पहले एक रिपोर्ट आई खाली धंधे और वो रिपोर्ट बताया कि 2011 में कितना काला धन था, आज 2017 में वो काला धन का संख्या वो जब 15,000 करोड़ कुछ काला धन था 2011 में, अब जो है वो बढ़कर 15,500 करोड़, यानी पूरा नोटबंदी करके हम काला धन को रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है सरकारी रिपोर्ट है, काला धन ये नोटबंदी के करते हुए काला धन को सफेद बनवाया, जो आपके काउंटरफीट करेंसी है नकली नोट है उस नकली नोटों को असली बना दिया और कहते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आप काम कर रहे हो काला धन को सफेद बनाने में, नकली नोटों को सही बनाने में। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है जहाँ से आपको 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 मतलब साधन मिल रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए तरफ सुना आपने आपके लिए हमारे साथ ही पहले 2 करोड़ हर साल नौकरियां की सूची की मात्रा, लेकिन अब रोजगार घट गई, हमारे अन्नदाता किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो आत्महत्याओं की संख्या अभी भी बढ़ रही, वादा किया कि न्यूनतम दाम हम देंगे आपके कर्जे के 1.5 गुना ज्यादा, 3 साल हो गए वो नहीं हुआ, कर्जे में डूब कर किसान मर रहा, 80% की हालत ये है, 2 भारतों का निर्माण हो रहा है, एक चमकता हुआ भारत गरीब लोगों के लिए और एक तरसता हुआ भारत पूरे बाकी हम सब के लिए बाकी बाकी जनता के, ये अच्छी हालत है हमारे भारत की, हमारे भारत महान की बात है, सारे जहां से रक्षा हिंदुस्तान हुआ हम बुलबुले हैं, ये गुलशिता हमारा, अरे गुलबुलों के रंग प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस बीजेपी समझिए, कई रंग के पक्षी होंगे गुलिस्तान में, कई रंग के फूल होंगे गुलिस्तान में, अगर वो सब इकट्ठा
वो पैदा नहीं होते और जिंदा नहीं रहते तो गुलिस्तान मचेगा। इस गुलिस्तान को बर्बाद करने वाली ये नीतियाँ जो हमारे शाखा विरासत को आज बर्बाद कर रहे हैं, इसको खिलाफ हम सबको लाभ होने की जरूरत है। हमारी आग्रह ही राजनीतिक बातें विचारधारा है वो सब अलग, आज सिर्फ एक ही नारा देना होगा और वो नारा है आज अपने भारत को बचाना होगा। सिर्फ यही नारा होगा कि हमारे भारत को बचाओ, हमारे साझी विरासत को बचाओ, वरना इस मुल्क का कोई भविष्य नहीं। ये ले जाना चाहते हैं अपने देश को भूत के अंधेरे, हम लोग सब ले जाना चाहते हैं अपने देश को भविष्य के उजाले। ये है असली खतरा, भूत का अंधेरा या भविष्य का उजाला, और उस भविष्य के उजाले में जाने के लिए साझी विरासत की जरूरत। एक बार आखिर मैं कहूँगा एक बार पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर हमारे कई सारे इसी तरीके के दुश्मनों ने हमारे कमांडरों की को शहीद बना के एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ ताकि ये समझे कि हम सिपाही रहेंगे और लड़ते रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे। एक हमारा साथी था सब कई साल पहले, उसकी मौत हो गई थी, बड़े दिन से पता नहीं था कहाँ था। एक महीने बाद उसकी शरीर के टुकड़े जो है कुएं के अंदर एक बैग में लपेटे हुए वो वहां पे फेंका गया था। वो मिला लेता जब पहचान हुई डॉक्टरों की तरफ से कि ये वही है, तब क्या नारा दिया था, हमारे साथियों के जिस्म टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं लेकिन इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, और ये हमारी कसम और ये हमारी फिक्र, ये हमारी हर समय रहेगी। तो आइए दोस्तों, और शरद भाई को मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ी लंबी हमारी रही है, 40 साल हो गए उससे भी ज़्यादा, छात्र नौजवान आंदोलन के समय से, और इन्होंने जो आज ये इनिशिएटिव निर्णय लिया, हम सब उनके साथ हैं। आज के दिन अगर इस साल की विरासत को बचाना है, उस जन समूह की लड़ाई के सूत्रधार शरद यादव जी रहेंगे और उनको उनको ये काम पूरा करना होगा, और ये वो करेंगे। तो चलिए।